जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। हमारे सनातन धर्म में देवी माँ की आराधना के लिए सर्वोत्तम समय नवरात्रि को माना जाता है। हमारे धर्म में देखिए, एक नहीं चार चार नवरात्रि आते हैं, दो प्रकट और दो गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों पर किए जाने वाले कुछ अचूक कुछ सरल उपाय टोटके शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त नवरात्रि होता है वो तंत्र विद्या में जो लोग साधना करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय होता है, माता को प्रसन्न करने के लिए और अपनी विद्या की सिद्धि के लिए। लेकिन एक आम गृहस्थ भी इन गुप्त नवरात्रों में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कलश स्थापना कर सकते हैं, अखंड ज्योत लगा सकते हैं, माँ की उपासना के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। मतलब 9 दिनों तक माँ की विशेष पूजा आराधना सभी लोग गुप्त नवरात्रों में भी कर सकते हैं। अब देखिए, सभी के लिए चारों नवरात्रि में संभव नहीं हो पाता कि वो पूरे दिनों तक 9 दिनों तक व्रत उपवास में रहें और पूरे विधान के साथ में सभी कर्म करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस वीडियो में जो मैं बताने जा रही हूँ मात्र 5 ये उपाय हैं जो बड़े आसान हैं, बड़े सरल हैं, आसानी से आप कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह की जानकारियां आपको अच्छी लगती है तो आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। देखिए, गुप्त नवरात्रों में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप रोजाना की जैसी अपनी पूजा करते हैं उसी विधान से पूजन करें। माँ भवानी, माँ दुर्गा की पूजा करें, जो आपके घर में फोटो प्रतिमा आप रखते हैं उनकी, और नियम एक बस बना ले प्रथम दिवस से ही कि आज से आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, आज से आप माता को 9 दिनों तक गुड़हल के फूल, एक गुड़हल का फूल, वैसे तो कोशिश करके 9 गुड़हल के फूल अर्पित कीजिए, लेकिन नहीं हो पाता कोई बात नहीं, एक लाल फूल, एक गुड़हल का फूल जरूर अर्पित कीजिए। अब अगर गुड़हल का फूल नहीं हो पाता है तो आप लाल फूल यानी कि एक लाल गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हैं, इससे भी माँ भवानी बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ दुर्गा को देखिए, लाल रंग बहुत प्रिय है, तो ऐसे में अगर माता को आप एक लाल पुष्प खास तौर पर गुड़हल का अर्पित करते हैं, आप जिस भी इच्छा से इस कार्य को करेंगे आपकी वो इच्छा जरूर पूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रों में नियम से आपको एक कार्य करना है, जैसे कि हम अपने पूजा स्थल पर हर रोज ज्योत लगाते हैं तो आपको गुप्त नवरात्रों में भी ज्योत लगानी है। आज जो गुप्त नवरात्रि प्रथम दिवस पे शुरू होंगे तो माँ के नाम से जो आप ज्योत लगाएंगे उसमें 9 दिनों तक आपको लौंग जरूर डालना है, एक लौंग डाल करके आप माँ के नाम से ज्योत लगाएं। देखिए, आप अन्य देवी देवताओं के नाम से या आप एक ही ज्योत लगाते हैं तो इन गुप्त नवरात्रों में माँ भवानी के नाम से एक ज्योत जरूर लगाएं। ऐसे कोई संकल्प ना रखें कि आप अखंड ज्योत लगा रहे हैं, सुबह से शाम तक लगा रहे हैं। अगर आप ऑफिस गोयर हैं या घर में ही हैं, कामकाजी हैं, व्यस्तता रहती है तो पूजन के समय ही आप एक ज्योत लगा दीजिए। जब तक उस ज्योत में आपने घी रखा है तब तक वो ज्योत जल के आगे फिर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक लौंग जरूर रखिए। तीसरा कार्य आपको क्या करना है, गुप्त नवरात्रों में आपको हर दिन कोशिश करके सुबह और शाम दोनों ही समय माता की आरती, आरती अगर पूरी आप नहीं गा सकते तो वो भी आप अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं है, आप लौंग और कपूर की आरती सुबह की पूजा में माँ को जरूर दिखाएं, और शाम के समय भी संध्या की आरती आप करते हैं, दीपक लगाते हैं तो माँ के नाम से कपूर और उसमें एक लौंग डाल करके उसी कपूर से आपको माँ की आरती करनी है, और उसके बाद पूरे घर में उस कपूर और लौंग का जो धुआं है आपको दिखा देना है। इससे घर में सकारात्मकता रहती है, आपके अंदर आपके सराउंडिंग्स में आसपास में जितनी भी नकारात्मकता है वो सब चली जाती है, घर का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए।
अब गुप्त नवरात्रों में कोशिश करके आपको माता के मंदिर दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। आप रोजाना आप कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ मंदिर में जाकर के आप माँ भवानी के सामने खड़े होकर के प्रार्थना कीजिए, जो आपकी इच्छा है, जिस कामना से आप चाहते हैं कि आपकी वो कामना सिद्ध हो जाए, सफलता हासिल हो, आप माँ के मंदिर में जा करके उनके चरणों में बैठ करके प्रार्थना कीजिए। संभव अगर हो सके तो आप एक पान का पत्ता माता को उनके चरणों में अर्पित आप कर सकते हैं रोजाना अगर मंदिर जा करके, तो बहुत ही शुभदायी आता है आपके जीवन में लेकर। आपकी जो भी कामना होती है, किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत है, समस्याएं हैं, संकट है, वो सभी संकट टल जाते हैं। दोस्तों चौथा उपाय जो आपको करना है, गुप्त नवरात्रों में आप नवमी की तिथि में, अष्टमी की तिथि में, सप्तमी की तिथि में, प्रथम दिवस पर किसी भी दिन माता के किसी भी मंदिर में जाकर माता को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित कराएं। खास तौर पर सुहागन सभी महिलाओं को ये एक कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। आप माता के लिए सुहाग की सभी सामग्री लाएं, साथ ही गुप्त नवरात्रों में अपने लिए भी सुहाग की सभी सामग्री आपको जरूर लेकर आना चाहिए और उसको उपयोग में लाना चाहिए। चाहे आप अष्टमी को ले आए, नवमी को ले आए, सज धज कर पूरा श्रृंगार करके आप माता को जाकर चुनरी अर्पित करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें और अपने अखंड सौभाग्य की, अपने अखंड सुहाग की, पति की दीर्घायु की, उनकी उन्नति तरक्की की आप माता से प्रार्थना करें। आपकी ये प्रार्थना माँ भवानी की कृपा से आपको जरूर स्वीकार की जाएगी और आपका जो सौभाग्य है, सुहाग है, वो हमेशा अखंड बना रहेगा। पांचवा और आखिरी कार्य आपको क्या करना है, गुप्त नवरात्रों में किसी भी दिन अपनी किसी भी मनोकामना से माता के मंदिर जाकर आपको माता के निमित्त एक, जैसे आपने पूजन कर लिया, अगर आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, एक नारियल आपको श्रीफल जरूर अर्पित करके आना चाहिए। ये आप प्रथम दिवस पर कर सकते हैं, अष्टमी की तिथि में कर सकते हैं, नवमी की तिथि में कर सकते हैं। एक नारियल आप उसको लाल कपड़े में लपेट करके अपनी इच्छा, अपनी कामना को कहते हुए माता के चरणों में उसे अर्पित कर दें। इस नारियल को आपको लेकर के घर नहीं आना है, आपको वहीं छोड़ देना है, प्रार्थना करनी है, जो इच्छा है माँ भवानी उस इच्छा को जरूर पूर्ण करें। तो इन गुप्त नवरात्रों में बहुत सरल से ये पांच जो उपाय मैंने बताए हैं, अगर आप करते हैं, यकीन मानिए आपको इसका फायदा जरूर मिलता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। किसी भी तरह की गुप्त नवरात्रों से जुड़ी हुई, नवरात्रि पूजा विधि से जुड़ी हुई आपको जानकारी चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।